भाई ओसामा मेरे की भी जगह नहीं बनती, लेकिन बात ये है ना, ये टीम तो खेल गई ने पता चल गया, हमारी टीम खेली नहीं है, हमारी टीम जो 15 प्लेयर है एक साथ खेलेगा भाई जी नहीं खेले, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, भी खेले ही नहीं है वो एक साथ, बिल्कुल सही कहा राहुल ने, और पाकिस्तान की जो खामी भी बताई भैया, सबसे बड़ी भाई मैं यही देख रहा हूँ कि उन्हें सीखने का मौका मिल गया एशिया कप से पहले, उन्हें पता चल गया उसामा हमारे बेस्ट नहीं रहेंगे, नवाज को लेकर आ सकते, क्या पता ये सऊद शकील को भी लेकर आ जाए। लेकिन अपने मिडल ऑर्डर का कोई पता ही नहीं है कि कौन खेलेगा, पाकिस्तान के ओपनर्स की बात करते हैं इमामुल हक की टांग खींचते हैं लेकिन अपने ओपनर्स का फाइनल ही नहीं है कि कौन खेलेगा, तो ये कंट्रोवर्सी तो हमेशा से चलती रहती है पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन आप कुछ ही सेकंड्स में पूरी वीडियो देखेंगे, एंजॉय कीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, किस तरह से अच्छी खासी धुलाई की है इंडियन मीडिया ने बीसीसीआई की, क्या क्या ये वो टीम है जो एशिया कप जीतेगी, ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप जीतेगी, इतना पैसा खर्च करते हैं हम बीसीसीआई पर और हमारी बीसीसीआई किसी काम की नहीं है, तो चले वीडियो की जारी पढ़ते हैं, वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसमें ये भी बोल सकते हो ना कि पाकिस्तान की टीम जहां पर एक्सपोज होना था उन्हें अपनी टीम की ताकत हो गई, या हम वीकनेस की बात करते हैं पता चल गया इन दो तीन मैचेस में कि अगर हमारे बॉलिंग कुटाई होगी तो कुटाई ही होगी, अगर हमारी बैटिंग नहीं कर पाएगी तो नहीं कर पाएगी, अब सऊद शकील को लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी कह रहा हूं कि अगर आगार सलमान से आप बॉलिंग नहीं करवाओगे, दोनों मैचेस में आपने उनसे बॉलिंग नहीं करवाई है, तो सलमान अली आगा का इस टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि सलमान और इफ्तिकार आपको दोनों एक तरीके से, आप सऊद शकील को भाई उसामा मेरी की भी जगह नहीं बनती, लेकिन बात यह है ना, ये टीम तो खेल गई ने पता चल गया, हमारी टीम खेली नहीं है, हमारी टीम जो 15 प्लेयर है एक साथ खेलेगा भाई जी नहीं खेले, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, भी खेले ही नहीं है वो एक साथ, बिल्कुल सही कहा राहुल ने, और पाकिस्तान की जो खामी भी बताई भैया, सबसे बड़ी भाई मैं यही देख रहा हूँ कि उन्हें सीखने का मौका मिल गया एशिया कप से पहले, उन्हें पता चल गया उसामा हमारे बेस्ट नहीं रहेंगे, नवाज को लेकर आ सकते, क्या पता ये सऊद शकील को भी लेकर आ जाए जी, तो उन्हें अपनी कमियां पता चल गई ना, और ये सीरीज ऐसा नहीं था कि आप जीत गए हार गए कुछ बड़ी चीज हो जाती, ये था कि आप इस सीरीज से क्या निकल कर आपके लिए आ रहा है, कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए आप अपने लिए बेस्ट क्या देख सकते हो, भाई उन्होंने ट्राई करा मुझे अच्छा लगा, उन्हें उसामा को भी खिलाया, उन्होंने सलमान अली आगा को भी खिलाया, अब मैं देखना चाहता हूँ कल वो किस तरह की सपोर्ट रखते हैं वहां पर। नहीं बिल्कुल सही कहा, अभी उनके लिए भैया अपना कॉम्बिनेशन सॉर्ट करने का समय है, क्योंकि आप एशिया कप और वर्ल्ड कप में इस चीज का हवाला नहीं दे पाओगे, अभी क्या है मोर देन द रिजल्ट, अभी आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है कि क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं, उनको सेंस करना, उनपे इंप्रूव करना, क्योंकि अब चलिए डेड रबर गेम है, आप सऊद शकील को भी लाओ, आप अपना नवाज को भी खिलाओ, कॉम्बिनेशन एक और टेस्ट कर लो, आपके लिए 2 तारीख है, अब आपको एक हफ्ते का टर्न अप टाइम है कि यार अफगानिस्तान के वर्सेस हमारे ये चीजें ये वीकनेसेस उभर कर सामने आई और हमें इन पे वर्क करना है और इंडिया के वर्सेस रिपीट नहीं करनी है, लेकिन इंडिया का लेवल आप सब जानते हो कि वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाएगी, अभी आप मान के चल रहे हो हाँ एक बैटिंग परफॉर्मेंस आपकी, यार देखो टॉप 3 नहीं फायर करा राहुल 2 मैचेस में, वरना आप शादाब की बात कर रहे हो, शादाब मैच विनर आपके लिए विद द बैट, भाई सही बताऊं जब मैच आपका चालू नहीं हुआ था ये 2 मैचेस मैंने नहीं देखे थे, मैं 55 और 45 दे रहा था, लेकिन आज के टाइम पर कोई मुझसे पूछे कि राहुल भाई आप क्या, मैं 50-50 रखूंगा भाई, हमारे लिए अच्छी बात क्या है केएल राहुल हमारे फिट होने की तरफ है, पूरी फुली फिट तो नहीं है, पर जो भी अपडेट आई है, जो भैया ने अपडेट भी दी है, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, सिरे फुली फिट है, अगर हमारी टीम भाई फुली फिट है तो फिर हमारी टीम 60%, फिर पाकिस्तान 40%, क्योंकि अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जो आपके ओडीआई के बेस्ट है वो अवेलेबल है, फिर कोई टेंशन नहीं भाई, फिर हमारी टीम आपसे आगे है, क्योंकि आपका क्या, आपके 2-3 प्लेयर्स बाबर आजम फखर जमान इमाम, ये अगर आपके गए फिर मुझे नहीं लगता ये सलमान इफ्तिकार या फिर वो नवाज जो वो भरोसा नहीं देते भाई मुझे बैटिंग, ओडीआई है पहले समझो, ओडीआई ये ओडीआई है, T20 नहीं आऊंगा लप्पा चलाऊंगा 20 रन कर दिए, नहीं भाई ये आपका ओडीआई है, जब आप 2-3 विकेट गिरेगी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया न्यूजीलैंड भाई तब रियल टेस्ट होगा, आप सच्चाई पता चल गई ना, अगर अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को परेशान कर रही है तो दिक्कतें हैं उनके लिए भी।